अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बेडरूम जो है कैसी लग रही है। हाँ भी माशाल्लाह चमक रहे हैं। इससे सेटिंग करते हैं सीधी। हो गई सफाई मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। वैसे जैसा कि आपको पता है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, हम जो है ना। हाँ जी, किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? ये मेजे ते नजर नहीं आ रहा। ये पतीला है, पतीला पतीला है। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने जो है ना, हम बकरियों के लिए जो है ये बंदरों बनवाने गए हुए थे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के आ चुकी है, बिल्कुल ओके हो गई है। ये वाली फटी टूटी थी, ये भी न्यू लगवाई है। और ये वाली भी टूटी थी, नहीं वो वाली, वो भी लगवाई है, ये भी लगवाई है। सारा काम इनका जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल करा के आ चुका हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया? ये बन गए हैं। अच्छा, आज इसके छह चलाने हैं। हाँ जी, अभी और बाकी उतले छाव चढ़ा के फिर। हाँ जी, ये देखें जी, ये गुथलियाँ बन चुकी है सिराने की। माशाल्लाह दो सिराने बने हैं, बेड के मोटे मोटे बनाए हैं, है ना। दो दो किलो कपास डाली है एक में। हाँ माशाल्लाह मोटे मोटे बन गए हैं। और इसके ऊपर छाड़ भी चढ़ाएंगे। और हमारी बेड की चादर वो देखें, वो भी धुली खड़ी है। इंशाल्लाह कमरे की जो है ना, अब सेटिंग बिल्कुल चेंज करनी है, क्योंकि वो टेबल फिलहाल आसन भाई के रूम में रखी हुई है। वो आसन भाई का रूम है ये वाला, और ये जो है ना मेरा अपना रूम है। तो इधर सेटिंग करनी है टेबल की भी, तो थोड़ा सा जो है ना मसला बन रहा है, वो भी चेंज करना है। रूम की सेटिंग जो है चेंज करनी है। कैसे करनी है, क्या क्या सेटिंग करनी है, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और अबू आ गए हैं। हाँ, चलना था किसी काम से, हो आया है या? हो आया। देख आयो? वो मैं वीडियो की सेटिंग करने लग गया था, मैंने कहा फिर चलते हैं। कोई मसला नहीं है, मैं देखा है। हाँ। कैसा है? ठीक है, वो मिले तो उसका से भी क्या रेट था उसका क्या है। हाँ, वो ना अबू गए थे बकरियों का चारा देखने के लिए। वो घास भेजा हुआ है एक बंदे का, वो बेचता है, तो उससे पता करने गए थे कि वो कैसे क्या रेट दे देता है। क्योंकि अभी जो सरी हमने खरीदे थे वो एक रह गया है उसमें से, बाकी सारे ख़त्म हो गए हैं। जो हमारा अपना घास है वो अभी इतना इतना सा हुआ है, अभी वो काटने वाला नहीं है। उसको तकरीबन अभी 8-10 दिन और लग जाएंगे। बाकी इसलिए जो है ना चारा देख रहे थे अबू, तो जैसे वो मिलेगा तो पता करेंगे कि क्या रेट वो देता है। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना बेहतर करे और सस्ते रेट पे मिल जाए, ताकि कुछ बकरियों का गुजारा अच्छा हो जाए। अगर ज़्यादा हैवी रेट उसने बता दिया ना, तो आजकल क्योंकि चरांद नहीं है, तो वो जिसका घास होता है वो अपनी मर्जी के रेट बताते हैं। अगर वैसा कुछ हो गया तो फिर अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, क्योंकि इतनी तो हम पैसे नहीं है हमारे पास कि हम महंगी चीज़ें खरीदें। फिर भी मजबूरी है, देखेंगे, ज़्यादा नहीं। हाल बेगम साहबा जो है ना बर्तन साफ कर रही हैं। साफ कर लिए सारे? हाँ जी। ये गैस लगाने वाली मशीन? हाँ जी, इसमें वो बिल्ली ने चाय गिराई थी, वही साफ कर रही। अच्छा, ये ऊपर वाले सारे साफ हो गए? हाँ जी, सारे हो गए। चलो सही है, ये सारी सेटिंग करो मुकम्मल। हाँ जी, फिर हो गई है। फिर रूम की सेटिंग चेंज करनी है अभी, आज या नहीं? हाँ जी, करनी है। करनी है? हाँ जी, अभी अभी चलें जी, आज ही रूम की सेटिंग करनी है। इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे रूम की क्लीन बिल्कुल सेटिंग न्यू करके। तो आप सब ने बताना है कि कैसी लगी सेटिंग, क्योंकि क्या क्या सेटिंग करनी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बेगम साहब फ्री हो जाए। आप फ्री हो गई हैं? हाँ जी, हो गई हैं, बस ये भी उधर रख के। तो ये बिस्तरे जो गंदे हो रहे हैं, इनको एक सेट पे कर देती ना, फिर साफ करती है, सारी मिट्टी हो गई है। हाँ, फिर झाड़ लेंगे इनको, झाड़ के एक साइड पे रखें, फिर सफाई करें ना। अली भाई हमारे साथ हैं, बेगम साहब आइटें उठा रही हैं, सामान बक्से का, इस संदूक का जो है ना, बड़ी पेटी का सारा सामान निकाल के इधर रख दिया है। ये देखें,
सारा यहाँ पर जो है ना बाहर रख दिया है। ये जब मेहमान वगैरह आते हैं ना तो ये बिस्तरे निकाल के उनको देते हैं। सारा सामान जो है ना बाहर निकाल दिया है। अब बक्से की जो है ना उस तरफ सेटिंग करते हैं। आज रूम की बिल्कुल क्लीनिंग कर देनी है और सेटिंग भी चेंज कर देनी है ना। हाँ जी, एक एक और ईट रख दो। दो दो रखोगी क्या? नीचे से झाड़ू नहीं दिखा रहा, इतनी ऊपर तो है। माल्टे खा गए हो? चलो माशाल्लाह, रख ली ईटे। अब पेटी उठा के उधर रखें। पहले वो नीचे वाले रखेंगे ना ईटों पर। अच्छा, इसको उठा के नीचे रखें। चलो सही है। हाँ, इससे फिर रखने में आसानी हो जाएगी। चलो ईटों पर जो है ना ये इसका पहले फ्रेम सेट करेंगे। ये यहाँ पर आप लोगों को ये कपड़े नजर आ रहे हैं ना, ये सब जो है अब बक्सा इस तरफ से ये खाली कर दिया है। यहाँ पर टेबल रखेंगे, ये उसको इस तरफ कर देंगे। वहाँ पर सारी सेटिंग जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। जब मुकम्मल सेटिंग हो जाएगी फिर देखना, अभी तो ऐसे लग रहा होगा आपको जैसे कुजाड़ मचा हुआ है। हाँ जी, अभी तो सेटिंग हो रही है ना। हाँ जी, अभी हो रही है। उसको रला के क्यों रख रहे हो? वो दूसरी साइड पे। ये वाला? हाँ, फिर ये ढक्कन नहीं खुलेगा ना। अच्छा, हाँ थोड़ा सा आगे करो ना ताकि ढक्कन भी खुल जाए पीछे। हाँ अब वो पीछे वाली सेट करो। बाद में जब रख लेते बक्सा फिर कहते अभी तो ढक्कन नहीं खुल रहा, क्योंकि वो दीवार के साथ अटैच हो जाता है ना, फिर कैसे खुलेगा ढक्कन। ऐसे रखो बिल्कुल ऐसे। हाँ इनकी लत्ता आधल में आ जाए। सही है। हाँ अब ओके है। ये वाली क्यों ऊंची रह जाती है? ये तो बैठती नहीं है, इसमें काफी फर्क है। ये देखें। हाँ जी, ये उधर भी ऐसे रखी हुई थी, ये नीचे से निकल जाती। चलो अभी इसको इसके ऊपर कपड़ा मारो, इसको साफ करो, सारी मिट्टी है इसको साफ करो। इसको साफ करके फिर हो गई साफ। हाँ जी हो गई है। चलो सही है, रखो फिर अभी उधर रखें। हाँ जी। इसको पता क्या, ये इसको घुमाना पड़ेगा, ये साइड उधर लेके जानी पड़ेगी। क्या कहें दस्या? ये देखें जी, इसकी सेटिंग जो है इस तरफ हो चुकी है। अब ये बक्सा इधर आ गया है, अब टेबल आएगी इधर। सारे अब सामान रखें इसमें। हाँ जी। सामान रखो फिर सफाई करके नीचे। ये देखें गंद पड़ा है, ये जो है ना बक्से के अंदर पड़ा था शापर काफी दिनों से, वो खराब होके गल गया, ऐसे टोटे टोटे हो गया। चलो फिर ले आओ सामान, रखो इसमें एक एक करके। अब देखें जी, ये वाली सेटिंग इधर हो गई है, ये बक्से इधर रख दिए हैं, मशीन भी इधर, ये सेटिंग सारी यहाँ पर हो गई है। और अभी जो है इसकी बेड की सेटिंग बाकी है, ये भी साफ करनी है सारी। और खिड़कियाँ भी नीचे सफाई करके खोल दी हैं ताकि ये धूल मिट्टी उड़ी है ये बाहर चली जाए। फिर उसके बाद और भी अभी सेटिंग काफ़ी बाकी है, टेबल भी नहीं लेकर आए, और टेबल भी यहाँ पर सेटिंग करनी है अभी। उसके बाद बेड को भी सजाना है, फिर इंशाल्लाह एकदम बेटर रूम हमारा बन जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त। अभी फिलहाल रोशनी जो है ना मैंने अंदर कर दी है, बेडरूम बन जाएगा ज़बरदस्त। आज जो है ना बेडरूम की लुक जो है एकदम से अलग बना देनी है आपने, देखना मैंने हमने देखना आप लोगों को कैसा लगता है। आपने फिर बताना है कि अब हमारा बेडरूम कैसा लगा है।
फिलहाल अभी सेटिंग जारी है, आपने जो है ना घबराना नहीं है हमारी तरह, क्योंकि हम भी नहीं घबरा रहे, सेटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह बिल्कुल जो है सफाई ओके हो गई है, और इसका जो है ना सोफा भी हमने निकाल लिया है, वो देखें ये इधर साफ करके इसको इधर रख दिया है, बेड भी सारा ऊपर नीचे से साफ कर लिया है, साफ हो गया। क्या ढूंढ रही है? अच्छा ये बेड की चादर के साथ वाले तकिए है। अच्छा सही, हो गई सफाई मुकम्मल। हाँ जी। अब क्या करना है? अब इस पे चादर डाल के तकिए रखने हैं, फिर टेबल। अच्छा बेड की चादर इस पे डालनी है अभी। हाँ चलो ये फोम पकड़ो उधर रखें, फिर चादर डालें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब देखें चादर बेड की से सेटिंग करते हैं, सीधी करो। इसके साथ वाले तकिए रखेंगे आज। हाँ जी। वाह जी वाह, खर्चे पे चर्चे हो रहे हैं। हाँ जी। वाह जी वाह, क्या ही बात है, ऐसे सीधी आया। हाँ जी, बहुत गहरा शुक्रगुजार है अपनी सिस्टर का। हाँ जी, जो काम है उसके है, उसको अल्लाह पाक अजर दे। अजर दे, आमीन। उसको अल्लाह पाक इतना खुश रखे के वो गरीबों की मदद करती रहे। आमीन। चलें आप इस तरफ आ जाएं, मैं उस तरफ से सेटिंग करता हूँ, इधर से सीधा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें बेड की चादर जो है ओके कर ली है हमने, पहना दिया है इसको कवर। अब जो है तकियों को कवर पहना रही है बेगम साहिबा। कैसे, पूरे हैं? जबरदस्त हो गए हैं। वाह जी वाह, फिर हमारा तो बेडरूम चमक जाएगा इंशाल्लाह। हमारे को इसकी दाग का पता होता है ना, एक एक मीटर कपड़े का पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, जो ऊपर वाला है या नीचे वाला है। सही है, ऊपर वाला कवर भी एक एक मीटर, दूसरा भी। हाँ सही है, एक एक मीटर के सिराने बनते हैं। नहीं अभी तो दो दो मीटर लगता है ना, मीटर नीचे वाला, मीटर ऊपर वाला। हाँ दो मीटर, दो मीटर एक सिराने पर आता है। चार मीटर, मतलब चार मीटर कपड़ा हम जैसे बंदों का जो है ना, नौजवानों का एक पूरा सूट बन जाता है। चार मीटर कपड़े से दो तकिए बनते हैं। दो तकिए बनाने से अच्छा है बंदा एक सूट बना ले, वो भी तीन चार, दो तीन साल तो आराम से सूट चल सकता है। नहीं, सूट पहन के गिची ऐसे करके सोए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देखें हमारा बेड कैसा लग रहा है, माशाल्लाह सोना लग रहा है। अब तकिए भी साथ वाले हो गए हैं, ये क्या कैसे चढ़ाया है उसको, सेम सेम तो रखो जैसे परला है दूसरा है। नहीं ऐसे तो है, ऐसे है, ऐसे है। अब देखें, मैंने वो दूसरी साइड रख दी थी। हाँ क्योंकि मैंने कहा उसकी दो पट्टियां नजर आ रही हैं, इसकी एक नजर आ रही है। हाँ सही है, अब सोना लग रहा है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह सोना लग रहा है। चलो फिर टेबल, टेबल ले आए इधर, टेबल की सेटिंग भी करनी है। हाँ जी ले आए। हाँ जी ले आए। चलो टेबल रहा फिलहाल, दूसरे रूम में रख दे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या ओ लोगों का होता है साइकिल मोटर, इसका है साइको मोटर। पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे बोला। ये क्या है, ये क्या है, जल्दी जल्दी दसाओ, ये क्या है, ये क्या है, साइकिल मोटर। हाँ अब सही आ गया है, साइकिल मोटर। तो इस रूम की सफाई की थी आसन भाई के रूम की? हाँ जी की थी। हाँ इसके भी बर्तन माशाल्लाह साफ़ किए थे आज, क्योंकि काफ़ी मिट्टी थी, और टेबल जो है यहाँ पर रख दी थी, क्योंकि बारिश, अगर बारिश आ गई ना तो ये ख़राब हो सकता है, गत्ता है ना, पानी इसके अंदर चुर गया ना, तो ये ख़राब हो जाएगा। अभी इसको उठाते हैं, दूसरे रूम में लेके चलते हैं। माशाल्लाह आज रूम दोनों ही साफ़ कर दिए हैं, क्लीन आप चले चलें। चलो माशाल्लाह इसको उठाते हैं, दूसरे रूम में रखते हैं, उठाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारी टेबल भी इस तरफ आ चुकी है, एक चारपाई यहाँ पर आएगी। क्या
टेबल आज इनको नहीं नहलाया, आज सारा दिन जो है इसी काम में गुजर गया है, कमरे की सफाई बर्तन शर्तन सारे साफ किए हैं। अब ये वाले जो कपड़े हैं ना ये भी सारे उठा के अपने सेटिंग में रखो, एक जगह पर इधर रखो, टेबल में रखो जो सारा सामान है। क्या खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, वाह जी वाह, किस चीज की। ये छापर बाहर फेंक दो, इधर कचरा ना करो, बाहर जाके खेलो। वो फिर से छापर उठा के लेके आ रहे हैं इधर, भाई बाइक चला रही है। आप तो दे रही थी, मैं क्या चेक हुआ है। मैंने थोड़ी चलानी है, मैंने वो असली वाली चलानी है, ये थोड़ी। हाँ जी चले, अभी ये वाली भी सेटिंग हो गई, अभी चार पाई डालनी है इधर। हाँ जी चार पाई तो डालेंगे इधर, सोएंगे कहाँ। ऐसे है ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बेडरूम जो है वो मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है। अभी देखें माशाल्लाह, सब बहन भाइयों ने बताना है अब हमारी सेटिंग जो है कैसी लग रही है। चार पाइयां अभी सेटिंग नहीं की है, वो भी अभी करेंगे क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो असल में जो है ना गांव के रूम की जो है ना ज़्यादा सेटिंग होती है गर्मियों में। गर्मियों में क्योंकि वो गर्मियों में चादरें वगैरह डाल के ऊपर रख देते हैं मेहमान वगैरह जब आते हैं। तो अभी सर्दियों में जो है ना यहाँ पर जो है ना सारे बच्चों के सोने की चारपाइयाँ होंगी, तो फिर वो जो है ना इसी तरह जो है ना सेटिंग नहीं बनती है। बिस्तरे उधर के उधर कर, उधर के उधर कर, ऐसे रजाइयाँ उसमें जर्सियाँ सारियाँ इधर ऐसे लगी होती हैं। हाँ जी गर्मी होती है, चार पाइयाँ सारियाँ बाहर होती हैं, फिर दिन को अंदर डाल के बंदा चादर वगैरह डाल देता है। हाँ दिन को अंदर रख के रूम की सेटिंग, रात को बाहर निकाल के सो गया, ये हो जाती है सेटिंग। अभी अभी जो है ना हमारे कमरे छोटे हैं, इतना बड़े नहीं है, इसमें जो है ना इस बड़ी मुश्किल से सेटिंग बनती है सामान की, सामान की और हमारी सोने की। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे ही सेटिंग हो जाएगी। अभी जो है ना मैं आपको रूम की मुकम्मल लुक दिखाता हूँ। ये हो गया दरवाज़ा, यहाँ से देखें ये बक्से की सेटिंग इस तरफ, और हमारा बेडरूम देखें माशाल्लाह बेड। हाँ जी ये तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ सोना लग रहा है। हाँ जी, बहुत सोना। और इस तरफ अलमारी, वहाँ पर रख दी है वो ड्रमी, इसमें आटा डालते हैं वो वाली ड्रमी है। वो नीचे किस चीज के दाग लगे हुए हैं? वो बिल्ली ने चाय गिराई थी, वही दाग लगे हुए हैं। तो अभी सर्दियाँ हैं इसीलिए कमरे धो भी नहीं रहे, क्योंकि वो क्या उसे कहते हैं ठंड हो जाती है, ठंड भी हो जाती है, जैसे कलर होता है। हाँ फर्श खराब होने का चांस होते हैं। चलो अल्लाह खैर करे, जब कड़क धूप निकलेगी फिर ये जो है ना धुलाई भी करेंगे इसकी अच्छे से। फिलहाल ये सारी सेटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है, और हमारी टेबल जो है वो इस तरफ आ चुकी है। ये देखें बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है सामने शीशा, उसके नीचे ही टेबल रखी है, क्योंकि इस तरफ जो है ना बंदा इस्त्री लगा के आराम से यहाँ कपड़े भी इस्त्री कर सकता है, बाकी जो सामान होगा वो इधर भी रख सकता है, इधर ये इस खाने में और इस खाने में भी आराम से, इसमें भी कुछ सामान जो हो वो भी रख सकता है। फिलहाल इसमें जो है ना परांदा रखे हुए हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या है, बेटी का परांदा शाजेब लेके चल रहा था तो उसने उठा के बेच रख दिया। हाँ जी ये सारी सेटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है, बड़ी मेहनत की है हमने। हाँ और बहन भाई बताएंगे कि कैसी लगी, सारा काम क्लियर। हाँ हो गया जी, हाँ जी। कोई अच्छी बात करना सारा दिल ना दुखाना, हमने सुबह की मेहनत की है। हाँ अम्मी और बेगम साहिबा सुबह की मेहनत कर रही है, सारे काम उल्टे पुल्टे हुए पड़े थे, हमने सोचा इसको जो है ना सेटिंग कर दें एक जगह पर। एक तो रात को पता नहीं क्या हुआ, वहां से जो है ना वो जो डोंगे रखे हुए हैं वहां पर वो बिल्ली ने गिराए सारी नीचे कटोरियां और वो डोंगे, इसी तरह ये टूट चुके हैं कोई चीजें बीच में से ना। हाँ जी ऊपर चिपकलियां होती है ना, उसको देखती है फिर ऊपर चढ़ जाती है। छिपकलियां भी पकड़ती है बिल्ली हमारी, छिपती है। हाँ जी।
वो रात को जो है ना जहाँ पर देखती है छिपकलियाँ वो ऊपर कमरे के ऊपर भी चढ़ के बैठी होती है। हाँ जो बोर्ड लगे है ना बिजली वाले इसके ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। हाँ चढ़ नहीं सकती। हाँ जी बिल्कुल, आप देखें हमारे बर्तन भी माशाल्लाह चमक रहे हैं, ये देखें। हाँ जी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमारा बेडरूम लग रहा है। हाँ जी पहले क्या हुआ करता था? पहले तो वैसे रूम हुआ करता था। हाँ जी पहले ही सादा कमरा था। सादा कमरा था, अब बेडरूम लग रहा है। हाँ जी माशाल्लाह। और हमारी हमारी बहुत सारी हमारी कुछ खाला ने हमारे साथ दिए हैं माशाल्लाह। हाँ जी हम उनका सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सब बहन भाई देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ जी हमारे व्लॉग देखते हैं, हमें हौसला अफजाई देते हैं। हाँ जी जिनकी वजह से हम चल रहे हैं सबका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, ढेर सारी दुआएं भी करते हैं आप सबके लिए। और इसी के साथ हमारा व्लॉग ये मुकम्मल हो गया है, हमारे बेडरूम की सेटिंग चेंज हुई है। तो कमेंट ज़रूर बताना है आपने कि कैसा लगा अभी हमारी सेटिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रोटी इतनी सारी क्यों उठाई हुई है? ये खुद ही उठा के आया। थोड़ी सी दे दो उधर, कहो इसको बैठ के खा ले।